लालच बोरी बल्ला है। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी जहां जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। इर्द गिर्द झाड़ियों के झुंड थे, रंग बिरंग फूलों की बेलें थीं और सरसब्ज शादाब फलदार दरख्त भी थे। इनमें बादाम अखरोट भी थे। फूलों की बहुतात थी जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे थे। शहद रीछ को बहुत मरगूब है। शहद का छत्ता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। एक पतले से दरख्त पर गिलहरी रहती थी। गिलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर इधर उधर भागकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा रखती है ताकि बुरे वक्त पर काम आ सके। गिलहरी एक साफ सुथरा जानवर है और अपने इर्द गिर्द का माहौल जर्द पत्तों और छोटी टहनियों से साफ रखती। एक दिन वो अपने घर में सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। उसे देखकर गिलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहां बहुत से बादाम अखरोट और शहद जमा है। उसने गिलहरी से कहा, उनमें से मुझे कुछ खाने को दो। गिलहरी ने कहा कि उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे हैं। रीछ ने कहा, अब समझो बुरा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे ना दिया तो मैं इस पतले दरख्त को हिलाऊंगा और ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी। तुम देखती रहना, तुझे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बेचारी गिलहरी बहुत परेशान हुई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जाए। वो देख रही थी कि रीछ डील डॉल वाला है, गुस्सा में आ गया तो वाकई चीजें गिरा सकता है जिससे सर्दियों में इसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर उसे एक तरकीब जहन में आई। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में हर्ज नहीं, मगर ये बहुत ही थोड़ी सी है, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक जगह का इल्म है, वहां बहुत सा शहद बादाम अखरोट ही। ये सुनकर रीछ के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, मुझे वो जगह दिखाओ। गिलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहां तक चलते हैं। रीछ खुशी खुशी मान गया। गिलहरी उसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधा चलो, बाएं से दाएं चलो, उधर से बाएं, सीधे, इधर से दाएं, जरा तेज बाएं, दाएं। रीछ ज्यादा शहद के लालच में भागता रहा। गिलहरी ने कहा, अब रुक जाओ। रीछ की सांस फूल गई थी। गिलहरी ने उससे उतरते हुए कहा, सीधा गार में घुस जाओ, वहां शहद का बड़ा जखीरा मौजूद है, पेट भर कर खाना। रीछ जल्दी से गार में घुस गया। वो गार शेरों का मसकन था। जब उन्होंने रीछ को बल्ला इजाजत गार में घुसते हुए देखा तो वो उस पर झपट पड़े। भूखे रीछ ने बड़ा मुकाबला किया, मगर शेरों के सामने ना ठहर सका और जान की बाजी हार गया। गिलहरी ने कुछ देर इंतजार किया। जब शेरों की आवाजें मधम हो गईं तो वो समझ गई कि लालची रीछ अपने अंजाम को पहुंच गया। वो जंगली फूलों फलों को खाती अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चो, लालच बुरी बल्ला है। रीछ लालच ना करता, गिलहरी से कुछ हासिल कर लेता।